अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलिब्रेशन करेंगे स्टील का मीटर है, हाईटेक वालों का। ये 60 केजी तक तोलता है ये स्केल। सबसे पहले इंडिकेटर को ऑन कर लेंगे। डेट आपके पास मौजूद होना चाहिए, 3658 इसका कोड है। टीयर दबाएंगे, ये ज़ीरो आधा आ जाएगा, इसका मतलब है कैलिब्रेशन में चला गया। फिर आप डन दबाएंगे, फिर आप टीयर दबाएंगे, 2 आ गया। उसके बाद आपने जो वेट आपके पास है वो रखना है। ये 5 केजी का वेट है, हमने प्लेटफार्म के ऊपर रख दिया। टीयर दबाएंगे, उसके बाद जो वेट रखा है वही हमने लिखना है इधर, 5 के आगे 3 0, जो इशारे के आगे 3 0 होते हैं। फिर टीयर दबाएंगे, इसे आप 80 केजी पे भी सेट कर सकते हैं, 60 केजी पे भी सेट कर सकते हैं। हम इसको 60 केजी पे सेट कर लेते हैं, 60। इसके बाद 3 0 दबा देते हैं इसके आगे, ठीक है। फिर टीयर दबाएंगे, इशारिया के आगे आपने जितने 0 रखने हैं वहाँ पे इतने लिख देंगे। अगर आपने इशारिया के आगे 3 0 रखने हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर टीयर दबाएंगे, मिनिमम आपको 5 ग्राम अगर ज़रूरत है तो आप 5 लिखेंगे यहाँ पे। फिर टीयर दबाएंगे, ये कैलिब्रेशन हो चुकी है आपकी। आप एक बार वेट उठाएंगे, वेट दोबारा रख के चेक करें, 5 केजी पूरा है। इसकी प्राइस 5,500 है। वेट को उतारा है, इंडिकेटर को एक बार ऑफ किया, फिर ऑन किया, एक बार वेट दोबारा रखेंगे। ये हमने दोबारा वेट रखा है और ये 5 केजी ऊपर आ गया जी। 5 केजी है, 5 ग्राम हवा की वजह से हल्का फुल्का जो 5 ग्राम चल रहा है वो ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 किलो मगर 5 ग्राम का, ठीक है। आपने इसको चार्जिंग 3 घंटे के लिए लगाना है, उसके बाद 2-3 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप करियाने की दुकान पे भी यूज़ कर सकते हैं, मछली वाली शॉप पे भी, चिकन वाली शॉप पे भी, दही वाली दुकान पे भी, या उसके अलावा हार्डवेयर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।